जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, बड़े अच्छे से ही हम पढ़ रहे हैं। पॉलिटी पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बजट। बजट से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और ज़्यादातर सुर्खियों में रहता है, लेकिन जब रहता है जब बजट आता है उसके बाद बजट पर चर्चा कम होती है। ठीक है, तो बजट का मतलब ये हुआ सरकार देखो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? आपने देखा होगा किसी गाँव में चार बार विकास पहुँच गया, रोड खोदी, फिर उसमें पाइप पड़ा, फिर रोड पड़ी, फिर पाइप खोदा। तो इसी तरीके का काम करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है। ठीक है, जिस तरीके से हेल्थ की कोई स्कीम आई है आपको उसमें बेनिफिट चाहिए तो सरकार अपने पास से पैसा देगी। अब वो अपने पास कहाँ से लेके आएगी? कोई उनके पास खजाना थोड़ी है, वो कहाँ से लेके आएगी? वो जो लेके आएगी वो लेके आएगी आपसे। उसने आप पर टैक्स डाला है, उसी टैक्स का पैसा वो आपको लौटा रही है, ठीक है, स्कीम के जरिए। तो ये बात हुई। तो बजट का मतलब ये हुआ कि आपका ही पैसा आपके लिए लगाया जाए, आपके लिए ही खर्च किया जाए। दूसरी बात, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि बजट सब संविधान में है नहीं है, वो नहीं है तो क्या शब्द मिलता है, बताइए समझ में। मतलब जितने भी तथ्य थे बजट से जुड़े वो हमने पढ़े थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे बजट के बारे में वो हम देखेंगे कि बजट पारित करने की बजट पारित करने की बजट पारित करने की प्रक्रिया। बात हुई क्लियर? दो, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज जो है वो है पैसा। कहना आसान है कि अरे पैसा क्या है, हाथ का मैल है, ये है वो है, कहना ही आसान है, पर ऐसा है नहीं। जितनी जरूरी चीज पैसा है उतनी चीज और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं संसार दुख है। हाँ भाई दुख है, लेकिन उस पैसे से अपने मनपसंद दुख तो खरीद लोगे, आई बात समझ में। ठीक है, तो इसलिए देखो दो चीजों की कीमत है, एक दुआ की और एक पैसे, है ना। पैसा चाहिए सरकार को, वो कैसे काम करेगी? जो टीचर पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनको भी पैसा चाहिए, जो डॉक्टर हैं उनको भी पैसा चाहिए, जो मंत्री बैठे हैं उन्हें भी पैसा चाहिए, सबको पैसा ही चाहिए। अब पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स लगा दिया। अब ऐसे तो गवर्नमेंट हर बार पहुंच जाएगी कि थैला लेके कि लाओ उसमें भर दो, ऐसे कैसे काम चल जाएगा? ऐसे नहीं भर सकते ना। ठीक है, जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी के तरीके से होगा। तो कहा जाएगा कि लोकसभा में जो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार है वो किसका था? राष्ट्रपति महोदय का। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय किसी मंत्री या वित्त मंत्री के द्वारा बजट को पेश करवा सकते हैं या कहा जाए संसद के सामने रख सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या है आपका बजट। तो सबसे पहले अगर हम देखें बजट पारित करने की प्रक्रिया, तो इसमें कुछ चरणों की बात की गई है कि इतने चरणों में होगी प्रक्रिया और काफ़ी लंबी प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले चरण की बात की जाए तो वो है कि जो आप बजट की बात कर रहे हो बजट को प्रस्तुत तो करो। आपको बाइक चाहिए तो घर पर बताना तो पड़ेगा कि मुझे बाइक चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ? बजट की प्रस्तुति, बजट की प्रस्तुति। जैसे आपको बाइक चाहिए आप क्या कहोगे? मुझे इसलिए चाहिए। उसी तरीके से जब गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है या कहा जाए बजट लेके आ रही है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो बजट लेके आ रही है क्या नहीं है। कुछ ना कुछ तो उसे बताना पड़ेगा अपने बजट के बारे में। ठीक है, मंत्री कुछ तो बताएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, बजट प्रस्तुति का मतलब ये हुआ, जब मंत्री क्या करे संसद के सामने या लोकसभा में जब बजट पास हो तो क्या होता है इसमें? मंत्री का भाषण इसमें क्या होगा? उस मंत्री का भाषण। ठीक है, भाषण देगा वो कि हाँ मैं इस तरीके से इस बजट को लेकर आ रहा हूँ, ये लेकर आ रहा हूँ, ये नहीं लेकर आ रहा हूँ, जाके बिल पेश कर दे कि ये रहा भैया हमारा बजट। ठीक है, बजट को प्रस्तुत करने के लिए वो एक बिल लग देगा। अब देखो क्या होता था 2017 से पहले जो ये बिल जो प्रस्तुत किया जाता था, वो करा जाता था आपका फरवरी के अंतिम सप्ताह में। लेकिन 2017 के बाद जो ये बिल है या जो ये बजट है, बजट को पेश किया जाता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में, ताकि भरपूर टाइम मिल सके बजट को। ठीक है, अब मंत्री जी ने तो अपना काम कर दिया, बजट रख दिया, उसमें भाषण दे के चले गए। अब क्या हो, बस कर दिया जाए पास? कर दें पास? नहीं ना, ऐसा कैसे हो जाएगा? वो तो कह के चले गए, सही कह के गए गलत कह के गए ये कौन बताएगा, बताए समझ में। तो क्या होगा,
आम बहस। मतलब ज्यादा गहराई की बात नहीं की जाएगी, बस थोड़ी मोटी बातें की जाएंगी, ठीक है। ऐसे बजट पेश करा, बजट पेश करने के 3 बार 4 दिन क्या होगी? आम बहस। आम बहस, इस आम बहस में क्या होंगे, जो सदस्य हैं उस सदन के, जो सदस्य हैं, सदन सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे या सवाल उठाए जाएंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे, आम बहस होगी, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कहेंगे देखो ये बजट ये है, जो सदस्य होंगे वो कहेंगे ये नहीं ये है, 36 तरह की बातें होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 4 दिन की बहस हो गई, अब क्या होगा? अब जो सवाल उठे हैं, बहस करे हैं, जो सवाल उठे हैं उनकी अगर आंसर देते रहेंगे तो 1 साल चाहिए बजट पास करने के लिए, तो क्या होगा? तो जो इसमें सवाल करे जाएंगे, जो सदस्य सवाल करेंगे मंत्री से कि देखो आपने ये कहा ये कहा ये नहीं कहा, वो 36 तरह की बातें करेंगे। तो जो मंत्री जो बजट लेके आए हैं, या कहा जाए जनरली वित्त मंत्री लेके आते हैं, जो वित्त मंत्री हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि वो इन सवालों के जवाब अंत में दें, इन सवालों के जवाब अंत में दें, ठीक है। अंत में दे सकते हैं इन सवालों का जवाब, ठीक है। बात हुई क्लियर? अब क्या हुआ, क्या होगा तो बताएगा अगला। चलो, पहले में हमने बजट रख दिया, दूसरे में उसमें बहस हो गई, अब तीसरे में क्या होगा? आम बहस के बाद जनरली जनरली जो सदन होता है उसको 1 माह के लिए स्थगित कर दिया जाता है, 1 माह के लिए स्थगित कर दिया जाता है उसमें सदन को। आपने स्थगित तो कर दिया, लेकिन अप्रैल और मई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जैसे फरवरी चल रहा है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ये मंथ आएंगे, तो अप्रैल और मई में जो काम चलेगा उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्यों क्यों भाई, पैसा अभी क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा जब ही निकलेगा जब विनियोग अधिनियम पारित हो गया होगा और उसमें टाइम लग गया, तो अप्रैल और मई के लिए पैसा कहाँ से लेकर आओगे? ठीक है, जैसे क्या हुआ समझो, आप गए, आपने घर पे कहा कि मुझे बाइक चाहिए, ठीक है बाइक चाहिए, बाइक मिल जाएगी। आपने क्या काम करा, आपके पास साइकिल थी, आपने साइकिल बेच दी कि मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। बाइक आने में कुछ समय तो लगेगा, जब तक क्या पैदल जाओगे? समझदारी किस में है कि जब तक साइकिल रखे रहो, साइकिल पे चलते रहो, जब आ जाए तो बेच देना या रख लेना, बताइए समझ में। उसी तरीके से बिल, आप बिल लेके आए हो या कहा जाए बजट लेके आए हो, संसद में आपने बजट रखा है, लेकिन उस समय के लिए क्या होगा? पारित होने में टाइम लगेगा ना। तो क्या हुआ, आम बहस हुई, इसके बाद क्या होगा, सदन को स्थगित कर दिया जाएगा 1 माह के लिए, या 1 माह नहीं तो 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। उससे पहले लेकर लेकर आया जाता है लेखा अनुदान, ठीक है, उससे पहले लेकर आया जाता है लेखा अनुदान, पारित किया जाता है, पारित किया जाता है लेखा अनुदान, पारित किया जाता है वोट ऑन अकाउंट, पारित किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आम बहस के बाद जो सदन है उसको स्थगित कर दिया जाएगा 1 महीने के लिए। तो भाई स्थगित से पहले ही आपको कुछ पैसा तो चाहिए कि काम ना रुके, जो सैलरी वगैरह वो जाती रहे, सब कुछ होता रहे, काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि विनियोग अधिनियम को पारित होने में समय लगेगा, विनियोग अधिनियम पारित होने में समय लगेगा। अब अप्रैल और मई के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अप्रैल और मई का कैसा काम चले? तो क्या होगा कि लेखा अनुदान लेके आया जाता है, लेखा अनुदान लेके आया जाता है। इसमें क्या होता है, बजट का कुल 1/6, बजट का कुल 1/6 धनराशि पर अधिकार दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। मतलब उनसे कहा जाता है कि चलो आप 1/6 जो है बजट का जितना 1/6 पार्ट है उसको आप निकाल लीजिएगा, अपना काम चला लीजिएगा, ठीक। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, लेखा अनुदान ये हुआ, ठीक है।
ताकि जो काम है वो चलता रहे। अब आपने स्थगित तो कर दिया, अब क्या होगा। अब देखो सबको पता है हमारे यहाँ किसी को मंत्री बनना है तो सबको पता है कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ठीक है, या मंत्री कितने अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था पे, कितने अच्छे तरीके से राजनीति पे, कितने अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे बहस करते हैं, सबको पता है। तो बताने की जरूरत है क्या? सबको पता है कि कितने विद्वान सदस्य जाके बैठते हैं, कुछ लोग बड़े विद्वान होते हैं वो जाके बैठते हैं, उनको सब पता होता है, ठीक है, उनको पता होता है कि बटुए में कितने पैसे रखे हैं, बात ऐसे उन। अब क्या करा जाए? अब सब कुछ, हर कोई तो एक्सपर्ट है, अब उन एक्सपर्ट में ये बजट रख दिया जाए तो उसका दही हो जाएगा, क्या काम करा जाए? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो हम क्या काम करते हैं कि कुछ लोग चुने जाते हैं, जैसे IAS हुए, IPS हुए, ये लोग हुए, फिर इनके प्रमोशन होता है, ऊंचे ऊंचे स्तर पर जाते रहते हैं, ठीक है, प्रमोशन होता रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जब इन लोगों के पास इतनी बुद्धि है तो इनका भी इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा क्या इस्तेमाल करो भाई? उन्होंने बोला कि भाई देखो संसद क्या बनाएगी, कुछ समितियाँ बनाएगी, स्थायी समिति बनाएगी, और भी समितियाँ बनाएगी, विभागीय समितियाँ बनाएगी, ठीक है, तो उनके जरिए जाँच कराओ, उन विभागीय समितियों द्वारा जाँच कराओ कि जो बजट में आपने डिमांड करी है, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हुई, उसने डिमांड करा कि भैया मुझे 5,000 करोड़ चाहिए, ठीक है, जल मिनिस्ट्री उसने कहा कि मुझे 1,000 करोड़ चाहिए, टूरिज्म मिनिस्ट्री उसने कहा कि नहीं मुझे तो 1,00,000 करोड़ चाहिए, रेलवे मिनिस्ट्री उसने कहा कि नहीं हमें तो 55,00,000 करोड़ चाहिए। तो इस तरीके की उन्होंने बातें कही कि हमें इतना चाहिए इतना चाहिए, ठीक है, ये आंकड़े बस धारण के लिए बताए गए। उन्होंने बताया कि भाई हमें पैसा चाहिए इसी चाहिए, अब इसकी जाँच कौन करे कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, अब देखो जो सदन बोस तो स्थगित हो गया है तो लेके आओ क्या विभागीय समिति, विभागीय समिति द्वारा जांच। किसी चीज जांच? किसी चीज जांच, ठीक है। तो संसद की कुछ विभागीय समितियां होती हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड एक समिति होगी, कोई और मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड एक समिति होगी। अब वो समितियां क्या काम करेंगी? जो ये बजट का मसौदा है वो जाके उनके पास गया, अब वो उसकी जांच करेंगी कि जो डिमांड करी है वो सही करी है नहीं करी है, वो चेक पिछले साल की उससे मिलाएंगे कि हाँ उन्होंने इतना मांगा था, खर्च करा भी था या नहीं करा था, ठीक है। पैसा लगाना और पैसा सही जगह लगाना दोनों बात में अंतर है। तो ये विभागीय समिति इस चीज़ की जांच करती है कि पैसा मांगा है वो सही चीज़ के लिए मांगा है या नहीं मांगा, मांगा है या नहीं मांगा, ठीक है। ये मांग की क्या करती है? जांच करती है, मांग की जांच करती है तथा एक रिपोर्ट तैयार कर, एक रिपोर्ट तैयार, एक रिपोर्ट तैयार करती है, मांगी की जांच करती है तथा साथ में ही एक रिपोर्ट तैयार करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करती है और दोनों सदनों के समक्ष इसको विचार के लिए रख देती है, दोनों सदनों के समक्ष रख देती है, दोनों सदनों के समक्ष रख देती है। बात हुई क्लियर? विभागीय समिति द्वारा जांच की जाती है, जो बजट पेश किया जा रहा है उसकी जांच की जाएगी कि आपने सही मांगा भी है या नहीं मांगा, उसकी जांच की जाएगी और दोनों सदनों के समक्ष रख दी जाएगी। अब ये रिपोर्ट कौन पढ़ेगा? पक्ष वाला भी पढ़ेगा, विपक्ष वाला भी पढ़ेगा, हर कोई इस रिपोर्ट को पढ़ेगा, ठीक है। बात हुई क्लियर? इतना लिखो, देखो क्या हुआ था, ये चीज़ जो है ना शुरू में नहीं होती थी, विभागीय समिति द्वारा जांच शुरू में नहीं थी। 1991 में हमने बहुत बड़े संकट को झेला, बात ही सुन है ना, जब जेब में पैसा ना हो तो हर कोई आंख दिखाता है, वही हाल हुआ था 1991 में, जेब में पैसा नहीं था, हर कोई आंख दिखा रहा था, ठीक है, जो आज दोस्त बने घूम रहे हैं कल वो भी आंख दिखा रहे थे। तो अब क्या करा जाए? तो उन्होंने कहा कि जो है उसको तरीके से खर्च किया जाए, इस वजह से कुछ आर्थिक सुधार किए गए और जो विभागीय समिति द्वारा जांच की जाती है बजट की, ये उसी आर्थिक सुधार का नतीजा है। बात आई समझ?
ये विभागीय समिति द्वारा जांच की जाती है, किसकी, बजट की जांच की जाती है। लिखो, इतना लिखो। बात हुई क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करा हमने, बजट को पेश करा, मंत्री जी का भाषण हो गया, आम बहस हो गई, इस पर बात कर ली कि सही है गलत है, ठीक है, कुछ प्रश्न उठे, आंसर बाद में दिया जाएगा। लेखा अनुदान पारित कर दिया गया, मतलब अब क्या हुआ, आम बहस के बाद जो सदन को स्थगित कर दिया गया 1 माह के लिए, जितने समय के लिए चाहे उतने समय के लिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है। उस पर उन्होंने कहा कि भाई अब काम कैसे चले, जो बीच का समय है उसके लिए पैसा कहाँ से लाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लेखा अनुदान पारित करते हैं, हमें कुछ पैसा दे दो, हम अपना काम तो चला। उन्होंने कहा ठीक है, इतना ले लिया जाएगा। विभागीय समिति द्वारा उस बजट की जाँच कर ली जाती है, ठीक है, जाँच कर ली जाती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पांचवी बात को समझो, पांचवी बात क्या हो रही है, देखो हमने क्या काम करा, बजट पेश करा, बजट के ऊपर हमने बहस कर ली। अब क्या हुआ, जो बजट में जो पैसे की मांग करी थी वो किन्होंने करी थी, मंत्रालय ने करी थी, ठीक है, जितनी भी मिनिस्ट्री है उन्होंने करी थी कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा हमें नदी की सफाई के लिए चाहिए, इतना पैसा हमें इसलिए चाहिए, इतना पैसा हमें इसलिए चाहिए, उन्होंने डिमांड रखी, ठीक है, ठीक है, उन्होंने डिमांड रखी। मंत्रालय जो थे उन्होंने कहा कि हमें पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए, उन्होंने बात रखी, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट जाके संसद के सामने रख दी गई, सदनों के सामने रख दी गई। अब उस रिपोर्ट को पक्ष वाला भी पढ़ेगा, विपक्ष वाला भी पढ़ेगा, अब सबने पढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि सभी मंत्रालयों की जायज जो डिमांड है वो जायज है, नाजायज भी हो सकती है, ठीक है। कुछ उन्होंने ऐसी डिमांड करी हो कि उन्होंने कहा कि हमें 500 करोड़ रुपये चाहिए और ऐसी चीज के लिए मांगा जिसकी जरूरत नहीं थी, उसको हम किसी और चीज में खर्च कर सकते थे, तो विपक्ष कहेगा कि नहीं रुको। अब विपक्ष कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि किसी ने एक हाथ उठा के दे कि अब मैं सहमत नहीं हूं, बिल खत्म करो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अब जितने भी मंत्रालय हैं उन्होंने जितनी भी डिमांड रखी है कि हमें इतना चाहिए उतना चाहिए, उस पर कराएगा मतदान। मतदान जिस चीज को मतदान मिलता रहेगा वो चीज पारित होती रहेगी, जिसको नहीं मिलेगा उसको काट दिया जाएगा। कैसे काट दिया जाएगा, जो देखो अनुदान की मांगों पर मतदान। ये ठीक है, अनुदान की मांगों पर मतदान, ठीक है। अब जो विभाग ये स्थायी समिति थी उसने रिपोर्ट तैयार करी थी, रिपोर्ट रख दे, उसी रिपोर्ट के आधार पर क्या होगा, मतदान करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब रख दिया गया, उसको कहाँ रख दिया, दोनों सदनों के सामने, लोकसभा व राज्यसभा के सामने रख दिया गया, ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है, प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होगा, प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होगा, ठीक है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हुई, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हुई, इन्होंने जितनी भी डिमांड करी है कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए, अब उस पर मतदान होगा कि हाँ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये शक्ति जो है ये सिर्फ किसको है, यह शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास, ठीक है, लोकसभा के पास है, इसका मतलब ये हुआ राज्यसभा के पास नहीं है। बात हुई क्लियर? यह शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है, लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। लोकसभा को इसके लिए कितने दिन दिए जाते हैं, लगभग 26 दिन होते हैं, इसके लिए लगभग 26 दिन होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि किसी मंत्रालय ने डिमांड करी थी कि हमें इतना पैसा चाहिए, आपको लगता है उसकी डिमांड नाजायज थी, उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए,
तो आप कैसे कहोगे हाथ खड़ा करके कि हाँ इतने पैसे काट लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं ये सोच रहा था 500 करोड़ नहीं 4000 करोड़ दिया जाए, ऐसे करोगे क्या? तो संसद में और मच्छी बाजार में अंतर क्या रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मतलब काम को किस तरीके से करना होगा, तरीके से करना होगा। तो क्या होगा, लाया जाएगा क्या कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ठीक है। ये लगभग 3 प्रकार का होता है और आमतौर पर किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। बात हुई क्लियर? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन कौन से होते हैं कटौती प्रस्ताव? पहला है आपका नीतिगत कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। आपको भी यहां से सवाल बनते हैं क्या, इतने पढ़ना पड़ेगा क्या हमें? हाँ पढ़ना पड़ेगा। जो नीतिगत कटौती प्रस्ताव है वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रस्ताव में जो संपूर्ण मांग है उसको इतना कर दिया जाता है, इतना कर दिया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कौन से प्रस्ताव की बात चल रही है, नीतिगत प्रस्ताव की बात चल रही है, आर्थिक कटौती के प्रस्ताव की बात चल रही है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव की बात चल रही है, किसकी चल रही है, कब पता होगा? जब आप इन चीजों को पढ़ोगे, एग्जाम में पूछा जाता है, पहले इतनी चीजें नहीं पूछी जाती, अब पूछी जा रही है। बताइए सुनो, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें विपक्ष को लगा कि जो डिमांड करी है सरकार ने कि हमें इतना पैसा चाहिए वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है, मानने के लायक नहीं है। अब क्या होगा, मान लो सरकार ऐसी थी जिसकी लोकसभा में केवल बहुमत ही बनाए हुए है, गठबंधन से या वैसे बना हुए है, अब विपक्ष को लगा तो विपक्ष क्या काम करेगा, जोड़ा घाटी करेगा और ऐसा मतदान करेगा कि वो अटक जाएगा। आता ही समझ, हर बार बहुमत की सरकार नहीं बनती। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव में क्या होगा कि जो विपक्ष है उसको लगेगा कि संपूर्ण गलत है, तो वो क्या करेगा, कहेगा कि भाई हमारे हिसाब से तो ये गलत है, ठीक है। क्या है मतलब, संपूर्ण मांग, संपूर्ण मांग गलत है तथा संपूर्ण धनराशि को 1 रुपया कर दिया जाता है। पूरे बजट की बात नहीं चल रही है कि पूरे बजट को 1 रुपया कर दिया जाएगा ना, जो मंत्रालय द्वारा डिमांड करी गई थी इतने पैसा मुझे इस चीज के लिए चाहिए, उस चीज के लिए चाहिए, हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक मंत्रालय की, देखो यहाँ क्या लिखा, प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होगा। किसी मंत्रालय ने किस चीज के लिए डिमांड करी, हमें लगा ये डिमांड सही नहीं है, हम उससे पूर्ण असहमत है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे हिसाब से गलत है, उस पर मतदान होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत उसकी जितनी भी धनराशि हो, कितने भी करोड़ मांगे उस धनराशि को, तो कितना कर दिया जाएगा, 1 रुपया। अब उसको कितना मिलेगा, 1 रुपया। बात आई समझ में? ये था नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अगला है आपका आर्थिक कटौती, आर्थिक कटौती, आर्थिक कटौती, ठीक है। इसमें क्या हुआ, किसी मंत्रालय ने किसी चीज के लिए डिमांड करी थी, हमें लगा कि इसने जितनी एज की होनी चाहिए तो उससे अधिक ज्यादा डिमांड कर दी है, और जिस चीज़ के लिए डिमांड करी है वो चीज़ होनी भी जरूरी है लेकिन कम होना चाहिए, इसने ज़्यादा मांग लिया है, ठीक है। जैसे आप गए रुमाल लेने, उसने बोला 5 लाख, 5 लाख 50 रुपये का दे दे, 25 रुपये का दे दे, 20 रुपये का दे दे, इतने का मिलता है, अच्छा 50 लाख क्यों मांग रहा है, हम कहेंगे ना 20 रुपये का मिल जाता है, तो वही होगा। आर्थिक कटौती की बात क्या होगी कि इसमें संपूर्ण मांग को गलत नहीं ठहराया गया है, संपूर्ण भाग को गलत नहीं ठहराया गया, बल्कि बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है, बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है, बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती, ठीक है। कई बार कुछ चीज ऐसी होती है जिससे हम सहमत नहीं होते, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक
ठीक है, ना उसको खत्म कर सकते हैं ना उसमें कम कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेकिन हमें अपनी असहमति दर्शानी जरूरी होती है। शादी ब्याह में नहीं होता, रिश्तेदार आते हैं, उनके कुछ रिश्तेदारों को मुंह फूला रहता है, ठीक है, अब वो कुछ तो कर नहीं सकते, ना शादी तुड़वा सकते ना भाग सकते, तो क्या काम करते हैं, खाने में ना नमक पड़ी थी, सब कुछ ठीक था, पर जो उन्होंने बड़ा बनवाए थे ना, उर्दू में नमक ही नहीं थी, इस तरीके की बातें करेंगे। मतलब एक तरीके से अपनी असहमति दर्शाएंगे। उसी तरीके से बिल में भी हिसाब है कि बजट है सब कुछ है, तो क्या करते हैं, अपनी असहमति उनको दिखानी है, असहमति उनको दर्शानी है। अब उस कुछ क्या करें, संपूर्ण उसको खत्म कर नहीं सकते क्योंकि अगली बार उनको भी सरकार में आना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, असहमति जाहिर करते हैं, और क्या करा जाता है, बजट में से 100 रुपये काट लिए जाते हैं। इसका मतलब होता है सांकेतिक कटौती, मतलब आप बजट ले आए हो सब ठीक है, लेकिन हम इतने सहमत नहीं है, सांकेत एक तरीके से संकेत दिया कि हम सहमत नहीं है, 100 रुपये काट लिए गए। बात हुई क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब अनुदान की मांगों पर मतदान भी हो गया, हमें ये पता चल गया, बात क्लियर हो गई क्या, कि ये पैसा हमें निकालना है, इतना निकालना है, जितना काटना पीटना था वो सब बात हो गई पूरी, ठीक है, वो बात हो गई पूरी कि इतना पैसा काटना था, ये करना था, वो करना था, वो हिसाब हुआ पूरा। अब तो हमें खाली पैसा निकालना है, तो चेक भरना है, पैसा निकालना है ना, जैसे बैंक में गए चेक भरा पैसा निकाला, वही हमें पैसा चाहिए। तो क्या होगा, पैसा निकालने के लिए जरूरी होता है क्या, छठा विनियोग, पैसा निकालने के लिए जरूरी है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, जिसका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 114, ये बात याद रखना, किस अनुच्छेद में जिक्र मिलता है, अनुच्छेद 114 में जिक्र मिलता है विनियोग विधेयक के हमें बारे में जिक्र मिलता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अप्रोप्रिएशन बिल भी बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, संसद से धन निकालने के लिए जरूरत होती है किसकी, विनियोग अधिनियम, बिना विनियोग अधिनियम पारित करे आप संसद से पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है, मतलब संसद से धन निकालने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, बिना इसके पैसा नहीं निकलेगा। बात हुई क्लियर, ठीक है, बात क्लियर ही होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एक धन विधेयक, विनियोग विधेयक, कैसा विधेयक है, एक धन विधेयक है। अगली बात, अब बिना इसके संसद से पैसा नहीं निकलता, बहुत सी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका पैसा है, जो राष्ट्रीय कोष है, नेशनल ट्रेजर है, ये उसका धन की रक्षा करने का काम किसका है, इस विनियोग विधेयक का है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कोष का रक्षक, क्या कहा जाएगा इसको, राष्ट्रीय कोष का, और टेंशन मत लेना, ठीक है, कि हम इतना लिखे हैं, वो है आपको पीडीएफ, जो इस टॉपिक की जो पीडीएफ है वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपके चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करिएगा, आपको जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मिल जाएगी। बात हुई क्लियर, कोई टेंशन की बात है ना, बाकी तो, लेकिन एक चीज़ और करना, पीडीएफ के सारे भी मत बैठना, बात है इंसान को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो ये है कि जब कोई उसको उंगली पकड़ाता है ना, उसको हाथ पकड़ लेता है, फिर उसके सहारे ही चलना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं करना। पीडीएफ में लिए सब चीज़ें उसमें लिखी हुई, लेकिन आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखो, ठीक है, कैसे, ऐसे इस तरीके का एरो बना के, डायग्राम बना के, इस तरीके के नोट्स बनाओ, ज़रूरी नहीं है लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे जाएँ, उसको लिखो, उसको लिखने के बाद देखो आपको क्या करना है, उसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसकी तो प्रिंट निकलवा लेना, जो आप समझ रहे हो टॉपिक को अपने हिसाब से लिखना, अपने हाथों से लिखना, छोटे छोटे पॉइंटों में लिखना,
और जहाँ वो टॉपिक पीडीएफ में वहीं पे उसको स्टेपल कर देना, शुरू में स्टेपल मत करना, बाद में उसमें जो आपने लिखा उस पेज को ऐड करना वहाँ, फिर करना एक बार। उससे ये होगा अगर आप उसमें जब समझ लोगे तो वो थोड़ी लैंग्वेज कैसी होती है, पैराग्राफ टाइप में नोट्स में लैंग्वेज होती है, जब आप अपनी भाषा में उसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहने का मतलब क्या चल रहा है। तो क्या होगा, जिस तरीके से एक बार तलवार चलानी आ जाए ठीक है तो ढाल लगानी इंसान सीख जाता है उसमें, है ना। तो यही बात है कि किस तरीके से हमको पढ़ना है ये भी जरूरी है। बात हुई क्लियर, बात हुई क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो हमने देखा विनियोग विधेयक, अब देखते हैं आखिरी बात, ठीक है आखिरी बात देखते हैं, और वो आखिरी बात क्या है, वार्षिक वित्त विधेयक। वार्षिक वित्त विधेयक, अब ये क्या है भाई वार्षिक वित्त विधेयक, ये क्या है ठीक है, इसको वार्षिक वित्त विधेयक, इसको विनियोग विधेयक के साथ ही पारित कर दिया जाता है, इसको विनियोग विधेयक के साथ ही पारित कर दिया जाता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि देखो आपने जब बिल पेश किया जाता है उसके कुछ दिनों बाद तक चर्चा एक ये रहती है, सॉरी जब बजट पेश किया जाता है, जब बजट पास हो जाता है उसके बाद कुछ दिनों तक चर्चा ये होती है कि अब देखिए जिनकी आय है इतनी वो भी कर भरेंगे, अब देखिए जिनकी आय है इतनी वो भी कर भरेंगे, इनको मिली छूट, इन पे हुआ शिकंजा। जो न्यूज़ चैनल पे तो ऐसे बोलते हैं ना ठीक है, वो ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे, उनको खुद को नहीं पता, उनको तो बस एक लाइन बता दी जाती है, तो आपको ये बोलना है, उन्होंने लगाया थोड़ी लिपस्टिक विपस्टिक मेकअप वेकअप करा वो बोलना शुरू हो गया, हाँ ठीक बताइए समझ, वो तो आंधी मोड़ के भी दिखाते हैं ठीक है। तो वार्षिक वित्त विधेयक में क्या होगा कि इसको जो है विनियोग विधेयक के साथ ही पारित कर दिया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, कर मतलब टैक्स को बढ़ाने व घटाने, बढ़ाने व घटाने से संबंधित, इसमें कर या टैक्स को बढ़ाने या घटाने से संबंधित संशोधन किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। बात हुई क्लियर, ये हुआ आज हमारा बजट का मामला पूरा, कि बजट किस तरीके से पेश होगा, बजट किस तरीके से पारित करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीजें बजट के बारे में हमने देखी ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है बजट, इसके बाद फिर हम अनुदानों की चर्चा करेंगे ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे ठीक है। तो आज की क्लास रखते हैं ठीक है, आशा करता हूँ सब चीज समझ में आई होंगी, आपको नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना, एक बात को ध्यान रखना, वो बात ये है कि यहाँ पे सबको ये पता है कि नेहरू के काल में क्या हुआ, सबको पता है इंदिरा गांधी के काल में क्या हुआ, सबको पता है कि बीजेपी के काल में क्या हुआ, सबको पता है कि किस सरकार के काल में क्या हो रहा है ठीक है। लेकिन इस बात की खबर उस विद्यार्थी को भी नहीं है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है कि किस गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही है, नहीं निकाल रही है, किस तरीके से प्रेशर बनाया जाए कि आप वैकेंसी निकालो ठीक है। आई बात सुन ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आप ध्यान दो, है ना ठीक है, क्योंकि जो प्रशासनिक कार्य है वो तो होगा, आप वैकेंसी नहीं निकाल लो तो क्या, जो वैकेंसी वो रिक्त हो जाएंगी वहां से, वो काम तो होना ही है ना। तो ये चीज जरूरी है ना ठीक है, इस चीज पे ध्यान दो, वैकेंसी निकलनी चाहिए, टाइम से निकलनी चाहिए, और बहुत सी चीजें इन पर ध्यान देना चाहिए। तो आज की क्लास रखते हैं, इसको नोट करो।